राधावल्लभ वल्लभ श्रीःरिवन् राधावल्लभ श्रीहरिवंशु वृन्दावनेश्वरी कवैवपदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मर्तापमुग्रं निर्वापयत् परम् शीतल माश्रयामि शीतल माश्रया हे प्यारी जू हमारी मती कभी ऐसा ना हो कि आपसे विलग होकर किसी और सांसारिक सुख में चली जाए इसलिए हे करुणामयी आप कृपा करके हमारी बुद्धि को संभालते रहिए कि आपके सिवा और कहीं ना लगे प्यारी जू एक बात को मोही डर आवत है री। एक बात को डर आवत है ये मति कब हूँ कुमया करी जाती पल पल हितवान होरी मती पर भाती मतिकब हो कुमाया करी जाती यह सचू ऐसे रहोरी जनी टरो तेरी घात ऐसे ही रहोरी जीनी तरो तेरी घाती हे स्वामी जो आप सदैव ऐसे ही मुस्कुराती रहें हमारे जीवन में कभी ऐसा कोई आचरण न बने जो आपके विरुद्ध हो ये सत्य है कि आपको कभी रिश्त नहीं आती पर प्यारी जू आपसे यही विनय है कि हमारा जीवन आपके प्रसन्नता के लिए ही ऐसे आचरण करे जिससे आपके विरुद्ध कभी ना हो यह सचू रहोरी टरो तेरी घाती श्री हरिदास के स्वामी श्याम कहत यों बाढ़ ज्यो पुरैन जल की तो शांति प्यारी जू एक बात को मोही डर आवत है मतिकबू कुमया कर जाती उपासक को अपने इष्ट देव आराध्य देव में ऐसी प्रियता हो जाए कि अपने प्राण प्यारे के विरुद्ध हम सोच भी नहीं सकते अपने प्राण प्यारे के विरुद्ध आचरण करने की तो बात जाने दो हम सोच भी नहीं सकते पर ये बिना निष्ठा के मन फिसलता रहता है जब तक गुरु प्रसाद से इष्ट निष्ठा जागरण नहीं होती तब तक ये मन हमें विवश करके भोगों में या प्रभु के विरुद्ध आचरणों में फंसाता रहता है चाहे जितनी कसम खाओ तुम्हारी कसम काम नहीं करेगी काम करती है निष्ठा निष्ठा उसे कहते हैं चाहे प्राण चले जाए पर हम जो नियम लिया है उसको नहीं तोड़ सकते उसे नियम निष्ठा कहते हैं चाहे प्राण चले जाएं गुरुदेव के विरुद्ध नहीं हो सकते उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्राणों को न्योछावर कर देंगे ये गुरु निष्ठा होती है चाहे प्राण निकल जाए कभी नाम जब नहीं छूट सकता इसे नाम निष्ठा कहते हैं चाहे प्राणांतक कष्ट हो जाए कभी धाम की सीमा के बाहर नहीं हो सकते ये धाम निष्ठा होती है ऐसे ही निष्ठा धाम निष्ठा नाम निष्ठा गुरु निष्ठा इन निष्ठाओं से ही मन को रोका जा सकता है अन्यथा बहुत ही प्रबल और चंचल स्वभाव का मन वो विषयों में गिरा देता है श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं नान्यत बदामी न न चिंतमी हो कैसी आराध्य देव की निष्ठा है अगर ये धारण हो जाए तो निहाल हो जाए इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाए बदामी न श्रणोमी न चिंतयामी नान्य व्रजा न भजा न चाश्रयामी पश्यामि जागृति तथा स्वप्ने पिनान्य शीराधिका रति विनोद बनम बिना आ इसे निष्ठा कहते हैं कह रहे हैं कि श्री किशोरी किशोरजू इनका नाम इनका रूप इनकी लीला जहाँ प्रकाशित हो रही है ऐसे परम पावन प्रेम प्रदान करने वाले वृंदावन का मैंने हृदय से आश्रय लिया है इसलिए मैं प्रिया प्रीतम की चर्चा नाम कीर्तन धाम की महिमा रसिकों का संग रसिकों की चर्चा इसके सिवा नान्यम बदामी हमारी वाणी मौन रहेगी कभी नहीं बोलेगी धन्य है वो उपासक जो इस निष्ठा को प्राप्त है नान्यम बदामी हरिवंश महाप्रभु कहते हैं रसना कटो जो अनरटो अगर प्रियालाल की चर्चा के सिवा कुछ अन्य बोलूं तो मेरी जबान कट जाए नान्यम बदामी, देखो ये निष्ठा बिना धारण किए वाकेन्द्रीय पावन नहीं होगी वाकेन्द्री पावन नहीं होगी तो उसी में विराजमान रसेंद्री भी अपावन रहेगी रसेंद्री बिगड़ी हुई है तो जनेंद्री को शासन में ले ही नहीं सकते अर्थात समस्त इंद्रियां आपको अपने अधीन कर लेंगी जो इंद्रियों के अधीन होता है उससे पापाचरण बनता है जिससे पापाचरण बनता है उसकी दुर्गति होती है बिना निष्ठा के नहीं निष्ठा मानो ऐसी ब्रेक है कि तत्काल उसको रोका जा सकता है जो हमारी संसार की तरफ वृत्तियां बढ़ रही उनको तत्काल रोका जा सकता है निष्ठा में ताकत है और किसी में जैसे ब्रह्मचर्य की निष्ठा उसका ब्रह्मचर्य पर महत्व हुआ और ब्रह्मचर्य निष्ठावान तो चाहे स्वर्ग लोग की अपसरा आ जाए उसके मन में काम भोग की लालसा नहीं पैदा हो सकती निष्ठा में ताकत है अन्य नहीं अन्य तो फिर मन बड़ा चंचल है वो फिर टिकना मुश्किल थोड़ी देर लड़ेगा फिर परास्त होकर उसी में गिर जाएगा निष्ठावान नहीं लड़ने की ही जरूरत नहीं रुचि ही नहीं है स्वाभाविक रुचि नहीं रहती निष्ठावान की नान्य बदामी नहीं बोलूंगा प्रियालाल की चर्चा भगवत चर्चा नाम जप नाम कीर्तन गुण कीर्तन इसके अलावा मौन अब देखो कौन उपासक इसको धारण करता है प्रपंच की वार्ता करने में वाणी बड़ी प्रवीण है चुगली करने में निंदा करने में ईर्ष्या की बातें करने में द्वेष की बातें करने में इससे बड़ा सुख अनुभव होता है क्योंकि इसको दुर्गति करानी है उस जीव की जो इस वाक्यन्द्र के अधीन हो गया है आगे के रणोमी श्रवणेंद्री का बहुत बड़ा महत्व है जो हम सुनते हैं उसका चिंतन होता है जो चिंतन होता है वही क्रिया होती जो क्रिया होती उसी का परिणाम होता है कानों को बहुत संभाल के रखें सुनने मात्र से हमारे अंदर चिंतन बनता है कठोर शब्द निंदनीय शब्द पंचिक शब्द विषयाकर्षण भरे शब्द विषयाकर्षण भरे गाने विषयाकर्षण भरे आकर्षण ऐसा जो चित्त को शुभ करके विषय में लगा दे बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए ऐसी परिस्थिति में यदि श्रवणेन्द्री को शासन में लेने का युक्ति नहीं पता है तो कान में उंगली डाल लो और वहां से हट जाओ नहीं तो श्रवणेन्द्री को तत्काल अंतर्मुख किया जाता है बाहर केवल जैसी चिड़िया चहचा रही आवाज मात्र है शब्द का बोध नहीं हो सकता क्योंकि श्रवणेन्द्री अंतर्मुख शब्द का चिंतन कर रही नाम का पर यह बहुत अच्छे उपासक की स्थिति होती है जहां आपको ऐसी स्थिति ना हो और प्रपंच वार्ता हो भगवत चर्चा रहित वार्ता हो कान में उंगली डालकर वहां से हट जाना चाहिए चाहे जैसी सभा हो नहीं तो उपासना खंडित हो जाएगी उपासना बाधित हो जाएगी ऐसा कौन साधक करता है जिसका लक्ष्य बन गया है भगवत प्राप्ति अन्यथा संयोग बना तो सत्संग भी सुन लिया संयोग बना तो कुसंग भी सुन लिया खलऊ करें भरी पाय सुसंगु और मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। दुष्ट स्वभाव के लोगों को भी कभी कभी भगवत कृपा से संत संग मिल जाता है पर वो अपने स्वभाव के बसीभूत हुए सत्संग का लाभ ना लेकर वहां भी अभिमान आदि दोषों से युक्त हृदय होने के कारण वो वंचित रहते हैं सत्संग के प्रभाव से वंचित खलऊ करें भली पाई सुसंगु, पर मिटे न स्वभाव मलिन भंग जो मलिन स्वभाव है उनका इतना कठोर हो गया है कि वो बदलना ही नहीं चाहते तो अपने लोग तो बड़े कृपा पात्र हैं जितने सब सुन रहे हैं नान्यम बदामी वाणी से किसी की निंदा चुगली ये मत बोलो भगवत चर्चा करो नाम कीर्तन करो गुण कीर्तन करो जो संसारिक व्यवहार व्यापार की वार्ता है पहले राधा बोलो मध्य में राधा बोलो बाद में राधा बोलो और उसको समर्पित कर दो भजन बन जाएगा महान सुख प्राप्ति का वो कर्म बन जाएगा वो योग हो जाएगा आगे कह रहे हैं न चिंतयामी तो जो हम देखते हैं सुनते हैं बोलते हैं इसका चिंतन होता है इसीलिए तीन बातों को कहा है रसना कटो जो अनरटो निरख अन फुटो नयन श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस अगर किशोरी जू का जस नहीं है तो हम बोलेंगे नहीं सुनेंगे नहीं देखेंगे नहीं क्योंकि जो बोला जाता है सुना जाता है देखा जाता है तो उसका चिंतन होता है तो न चिंतयामी अगर चिंतन ठीक करना है चिंतन से भगवत प्राप्ति होती है अन्य चेता सततम स्मृति नित्यशाह योगिना भगवान अनन्य चिंतन वाले को कहते हैं मैं उसे सुलभ हो जाता हूं मैं स्वयं सुलभ हो जाता हूं पर चिंतन करना बहुत कठिन बात है बाहरी साधनाएं भगवत प्राप्ति की ऐसा कर भी सकता है कोई पुण्यात्मा पर भगवत चिंतन निरंतर होना यह कोई महात्मा ही कर सकता है महात्मा गृहस्थ में भी होते हैं विरक्त में भी होते हैं महात्मा एक स्थिति का नाम है भेष का नहीं अगर वेश है स्थिति नहीं तो महात्मा नहीं भेष नहीं है स्थिति है तो महात्मा है वो महात्मा है जो वाणी के द्वारा सत्य और मृदु और हित भगवत चर्चा नेत्र के द्वारा सर्वत्र भगवत भाव से दर्शन श्रवणेन्द्री के द्वारा सर्वत्र जो वाणी है वो भगवत स्वरूप है शब्द ब्रह्म में है ऐसा मानकर उदासीन हो गया है केवल भगवत चर्चा सुनता है नाम कीर्तन सुनता है भगवत भाव से युक्त जो महान पुरुष है उनके चरित्रों को सुनता है जो व्यवहार की वार्ता करता है वो भगवत समर्पित नाम युक्त अब उसका चिंतन अनन्य बनता है जिसका अनन्य चिंतन बनता है उसकी पूरी जुम्मेवार श्री भगवान ले लेते हैं प्राप्ति जो भी तुम्हारा ऐश्वर्य वैभव भगवत सामग्री है उसकी रक्षा करना और जो अप्राप्त की प्राप्ति कराना है वो जुम्मेवार श्री भगवान ले लेते हैं अनन्य चिंतन तो माम ये जना परिपास तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यम मैं उसके योगक्षेम का स्वयं भान करता हूं जो मेरा अनन्य चिंतन करता है अनन्य चिंतन वही कर सकता है जिसकी वाणी पवित्र श्रवणेन्द्रीय पवित्र नेत्रेंद्री पवित्र तो न चिंतया इसके विरुद्ध हमारा कभी चिंतन नहीं होगा चिंतन कहते हैं जो अंदर ही अंदर चलता रहता है वो भगवत चिंतन वो भगवत प्राप्ति कराता है बाहरी साधनों का फल है अंदर का चिंतन निरंतर अपने आराध्य देव का होने लगना तो नान्य ब्रजामी एक भी कदम हम भगवत विमुख नहीं चल सकते कहां जा रहे हो क्या करने जा रहे हो ये कभी विचार करते हो तुम्हारे पैर कहां जा रहे हैं तुम्हारा लक्ष्य क्या है जाने का ये जो पैर चल रहे हैं किस दिशा में जा रहे हैं किस हेतु से जा रहे हैं संभालो संसार के मार्ग में कुमार्गामी चरण ना होने पावे तुम्हारे नहीं तो आचरण नष्ट हो जाएंगे आचरणहीन की दुर्गति होती है कहां जा रहे हो मदिराले ले रोको अपने चरण को कहा जा रहे हो गलत आचरण करने जा रहे हो रोक लो अपने पैर को वापस लौट आओ जिस यात्रा में यात्री अपने मार्ग को नहीं पहचानता वह भटक जाता है वो भूल भुलैया में फंस जाता है फिर उसका जीवन का जीवन पूरा नष्ट हो जाता है ऐसी भूल भुलैया माया की है एक बार इस दलदल में फंस गए निकलना बड़ा कठिन है सत्य मानिए हर इंद्री का दलदल है जन के भोग में फंस गए निकलना मुश्किल रसेंद्री के स्वाद में फंस गए निकलना मुश्किल नेत्रेंद्री के रूप में फंस गए निकलना मुश्किल ये बहुत विचित्र भगवान की माया कहा जा रहे हैं तुम्हारे चरण किस दिशा को क्या लक्ष्य है विवेक के द्वारा रोक लो अगर सही दिशा है तो उत्साह संपन्न होकर नाम जप करते हुए जाओ अगर गलत लक्ष्य है तो तत्काल रोक लो जबरदस्ती वापस हो जाओ ऐसा संग ऐसा रंग न चढ़ने पावे कि पूरा जीवन माया में व्यतीत हो जाए यहां निष्ठा की बात कह रहे मैं धाम निष्ठ हूं एक कदम भी वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगा चाहे प्राण निकल जाए चाहे जितना भयानक पीड़ा हो रोग हो कष्ट हो धाम नहीं छोड़ेंगे सच्ची मानिए निष्ठा में बहुत बड़ी ताकत है बड़े बड़े चमत्कार इस निष्ठा में देखे बड़ा बड़ा परिवर्तन देखा जो औषधियों से नहीं होता वो धाम निष्ठा से हो जाता है धाम निष्ठ को कभी व्याकुल होकर रोग से पीड़ित होकर समस्याओं से पीड़ित होकर भागना नहीं चाहिए हर समस्या का समाधान यही हो जाएगा क्योंकि ललित के जो चरण हैं, वो सुरतरु काम धेनु चिंतामणि भगवत रसिक अनन्न्य अली के जावक जुत जुग चरण लली के यही विराजमान है स्वामी जू एक बार नहीं लाखों बार की बात है आपकी निष्ठा केवल हो तो सेकेंड लगता है होते होते, वो बात सामने होती। कि तो लाखों बार की बात कह रहा हूं सेकेंड पूरा होते होते वो बात सामने होती फाइनल में मिनट घंटे दिन ये तो बहुत बड़ी बात है सेकेंड पूरा अच्छा ये ऐसा बस इतना सामने तब लगता है, क्या पहले व्यवस्था होती बाद में प्रश्न होता उसके उत्तर की पहले व्यवस्था होती बाद में प्रश्न होता है यहां समस्या का समाधान करने के लिए बाद में प्रार्थना होती समस्या का समाधान पहले हो जाता है प्रार्थना हुई तो पता चलो समस्या है ही नहीं है उसका समाधान हो चुका है क्यों सुरतरु कामधेनु चिंतामणि भगवत रसिक अली की स्वामिनी जी के चरणारविंद कल्प तरु हैं चिंतामणि हैं, कामधेनु हैं तत्काल समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य श्री प्रियाजू के गोरे चरणारविंद में है और वो अपने महल में यहाँ विराजमान है ये उनका महल है ऐसा कौन सा कष्ट है जो तुम्हें इतना विचलित कर दे प्यारी के महल को छोड़ने के लिए ऐसा कोई कष्ट नहीं यहाँ का एक प्रभाव है बाहर भारी कष्ट से पीड़ित हो और यहाँ केवल आ जाओ तो आप देखोगे कलह कलेश न्यारी यहाँ आते ही एक उस क्लेश का समन होने लगेगा और आपको एक आनंद की अनुभूति होने लगेगी चाहे आप मानसिक रोगी हो या शारीरिक रोगी हो यदि आपको रसिकों का संग मिल गया और वृंदावन का आश्रय तो आप देखेंगे कि वो आपको प्रभावित तो नहीं कर पाएगा रहेगा प्रारब्धानुसार शरीर में रहेगा प्रभावित नहीं कर पाएगा बड़ी अद्भुत चमत्कारमयी वृत्ति वृंदावन की एक परिचय के थे शिष्य उनको कैंसर हुआ फिर उन्होंने सूचना दी कि बहुत भयानक स्थिति है किसी भी तरह अब हम बचने वाले नहीं जब ये सुना उससे प्रार्थना की कि अगर आपकी थोड़ी भी श्रद्धा है तो चाहे जैसी परिस्थिति हो वृंदावन आ जाइए बस एक बार आ जाइए आप उसने कहा ऐसी समस्याओं में अस्पताल में भर्ती है उनके पुत्र ने कहा आने लायक तो है ही नहीं तुमका जाना तो है ही फिर आ क्यों नहीं सकते तुम जैसे बने तो यहाँ एक बैठे हुए संत भगवान वो उनको बहुत सपोर्ट किए वो आए यही ये यह जो सामने है वेदांत भक्ति वेदांत में भरती हुए शाम के हितधाम में रहते थे, थे शाम के वहां गए बहुत ही कष्ट रो पड़े उन्होंने उन्हों कहा भयानक कष्ट राधा 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 श्री जी का प्रताप उन्होंने कहा हटाइए सब हटाइए हमारे शरीर से बस हटा दीजिए जो मैं कह रहा हूं एकदम आवेश आया सब हटवा दिया काम हो गया राधा राधा चल दिए बाहर निकल के आए थोड़ी देर बाद पता चला श्री जी के पास गए तो उनके पुत्र बता रहे थे उस समय से कुछ नहीं वो जो उनके यंत्र सब लगे हुए थे वो कहा मेरा कोई कष्ट नहीं अब मुझे श्री जी बुला रहे मैं जा रहा हूं चले गए न जाने कितने दिन भोगना पड़ता न जाने कौन कौन से प्रारब्ध उदित हो जाते हैं जीव के अंतर्गत विश्वास कीजिए धाम नाम और भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय ये बड़े बड़े प्रारब्धों को नष्ट कर देता है वो अपने शरीर में प्रारब्ध लेकर भोग सकते हैं लेकिन वो प्रारब्ध को नष्ट करने की अपार सामर्थ्य रखते हैं धाम प्रेमी नाम प्रेमी प्रियालाल के चरणारविंद के अनुरागी जन तो नान्य ब्रजामी कुछ भी हो जाए जिसने ये नियम ले लिया अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है इस रज का अद्भुत प्रभाव ना भजामे ना चाश्रया में अब मुझे कोई कितना भटकाना चाहे मैं प्रिया प्रीतम सिवा और किसी का भजन नहीं कर सकता यह निष्ठा होनी चाहिए अपने गुरुदेव इष्टदेव में जिसकी निष्ठा नहीं है कुछ भी कर ले हाथ कुछ नहीं लगता ये माया है बड़ी प्रचंड और प्रबल है एक क्षण में तुम्हारा जितना सुकृत है सब लूट लेती है गुरु कृपा पात्र हरि प्रियाजू के चरणारविंद की निष्ठा तो माया कोई है ही नहीं मामा ने नहीं या माने जो जिसकी सत्ता ही नहीं उसका नाम माया है नचाश्रयामी भूल से भी किसी का अन्य का आश्रय हम नहीं ले सकते अंदर से देख लीजिए भूलकर भी प्रियालाल का आश्रय नहीं और सब आश्रय है बैंक बैलेंस का आश्रय व्यक्ति का आश्रय पदाधिकारी का आश्रय शरीर का आश्रय संबंधियों का आश्रय नाना प्रकार के आश्रय है लेकिन प्रियालाल का आश्रय नहीं एक आश्रय दृढ़ हो जाए और सब आश्रय छूट जाए तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाए अभी इसी क्षण प्रियालाल का साक्षात्कार हो जाए आश्रय में कमी रहती है वो पता तब चलता है जब सुख या भारी दुख की संयोग वृत्ति होती भारी सुख मिला मैंने किया ऐसा ऐसा तो मुझे मिला या अमुक ने सहयोग किया ऐसा वो प्रियालाल को नहीं देख पाता भारी दुख की परिस्थिति है अमुक को फोन करो अमुक का परिचय उसको याद आता है प्रियालाल का नहीं ये अनाश्रित का लक्षण और आश्रित का चाहे जितना सुख आवे मेरी किशोरी जू की कृपा वो देखता है कृपा चाहे जितना दुख आवे वो उसमें भी उनका विधान देखता है मेरी लाडली जो कोई मंगल विधान कर रही उसका कहीं किसी और की तरफ अंदर से वृत्ति नहीं जाएगी ना चाश्रयामी मैं किसी अन्य का आश्रय नहीं ले सकता पश्यामि जागृति तथा स्वप्ने पिना अन्य किसी का न जागृत में न स्वप्न में जैसे कभी कभी कोई साधक कहते हैं हमारे स्वप्न में ऐसा ऐसा आप ये समझ लीजिए कि आपके अंदर जो चल रहा होता है वही स्वप्न का स्वरूप मन प्रकट करता है यदि आपके अंदर वासनात्मक स्वप्न आ रहे हैं तो आप वासना का चिंतन करते हैं वासना का ही आश्रय लिए हैं आप प्रभु का आश्रय नहीं लिए प्रभु का आश्रय लिए हैं तो पक्का बड़े बड़े संत महात्मा आएंगे भगवत चरित्र की कोई ना कोई स्पुरना होगी स्वप्न बड़ा मंगलमय होता है कभी गंदे स्वप्न आ ही नहीं सकते जब तक गंदे स्वप्न आते हैं तो जागृत अवस्था में कुछ गंदगी आप बटोरते हैं वो क्रिया के द्वारा हो या चिंतन के द्वारा हो यदि जागृत का आप पूर्ण रूप से पावन समय व्यतीत करते हैं तो स्वप्नावस्था अपने आप मंगलमय हो जाएगी ये स्थिति पहचानी जाती है साधक की कि किस कोटि का साधक है स्वप्न गंदे कभी नहीं आ सकते और स्वप्न आने का समय ही नहीं रहता बहुत कम निद्रा के लिए समय दिया जाता है तो उस समय जो होता है वो भागवतिक स्वप्न आएंगे या कोई आदेश होगा संकेत होगा अन्यथा नहीं जागृत स्वप्न सुसुप्त स्पुरत में राधा पदाब छटा छठा श्रीपाद कह रहे पश्चिमी जागृति तथा स्वप्ने पी नान्य ना जागृत में ना स्वप्न में किंचन मात्र किसी अन्य का चिंतन अन्य का आश्रय नहीं स्वप्न गंदा चिंतन आपका गंदा है इसलिए आया है उसे नकारिए नहीं स्वीकार कीजिए और चिंतन को बदलिए नहीं जो स्वप्न है वो प्रमाणित करता है आपकी स्थिति क्या है जैसे संसारिक लोगों के ऐसे ही कल्पनात्मक वृत्तियां वो पकड़ नहीं पाते वही सब उसको स्वप्न में दिखाई देता है महाभागवत जनों का स्वप्न अपने आराध्य देव का होता है श्री राधिकारति विनोद वनम बिना हम बिना वृंदावन के हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं धन्य है श्री वृंदावन के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं अन्य कोई आश्रय नहीं अपना अस्तित्व वृंदावन प्रिया प्रीतम अपना आश्रय वृंदावन प्रिया प्रीतम इसका फल क्या होगा श्रीपाद कह रहे हैं कि वाण्या गद गदया कदा मधुपतेर नामान संकीर्त धाराभिनयनां भसां तरुतलक्षोणीं कदा पङ्कये दृष्ट्वा भावनया पुरो मिलदिव स्वान्तैकभोग्यं महो द्वन्द्व हेमहरिन्मणिच्छवि कदा नन्से मुहुर्विहला निष्ठा का परिणाम क्या होता है तो बोले वाणी उसकी गदगद अवरुद्ध गद हो रही और कीर्तन कर रहा है वाणिया गदगदया गद कदा मधुपतेर नामान संकीर्त श्री श्यामा श्याम का नाम कीर्तन करते हुए वाणी गदगद हो गई, अवरुद्ध हो गया कंठ। धारा अभिनय नाम भसाम तरुतल छोणिम कदा पंकय किसी लता वृक्ष के नीचे बैठकर हार हा राधा हा राधा कहता हुआ रो रहा है और जहां बैठा है वहां की भूमि को आंसुओं से गीला कर दिया है धारा अभिनय नाम भसाम तरुतल छोणिम कदा पंकय सोचो यहां स्वार्थ में तो आंसुओं की झड़ी लग सकती है अगर स्वार्थ में ठेस पहुंच जाए तो मोह में आप रो सकते हैं लेकिन प्रियालाल के लिए नहीं रो सकते हैं। अगर कहीं प्रियालाल के सामने मानो मंदिर में प्रभु के सामने कोई रोता नजर आवे तो विश्वास नहीं है कि वो प्रभु के लिए रो रहा है उसके कई कारण अंदर हो सकते हैं तब वो प्रभु से सामने रोते हुए नजर वो प्रभु से कोई मतलब नहीं रख रहा अपनी वासनाओं के लिए रो रहा है एक बार सुनाया है सत्संग में दादा वल्लभ जी के दर्शन कर रहे थे एक सामने ऐसे करके रो रहा था लगा प्रभु के लिए ऐसे रो रहा है नजदीक गए बड़ा आकर्षण हुआ किसी के आंसू देख ले तो हृदय विकल होता है कमजोरी होती प्रेमीजनों की कमजोरी होती आंसू जब उनकी विनय में शब्द सुने तो हट गए पीछे उनकी पत्नी बीमार होगी तो ठीक हो गई होगी उन्होंने कहा होगा प्रभु से प्रार्थना की होगी उसी बात की वो याद में वसा ये तो कोई महत्व प्रभु के लिए रो रहा हो धन्य धन्य उसका जीवन नाथ बस आप चाहे आप खुश रहो आप प्रसन्न रहो हे प्रभु ऐसा आर्त या हे प्रभु आप कब मिलोगे कैसे मिलोगे या हे प्रभु आप अपना चिंतन दे दीजिए नाम जप दे दीजिए ऐसा रो रहा हो या प्रभु की कोई चर्चा चल रही उन पे रो रहा हो ऐसा हो बड़ा कठिन होता है यदि प्रभु के लिए आंसू निकलने लगे तो बहुत नजदीक पहुंच चुके हो प्रभु के क्योंकि प्रभु का साक्षात्कार रोने वाले को ही होता है कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से करी प्रीति बिन रोए किन पाया प्रेम मीत रुरुदु सुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा एक बार श्री जी ने गोपी ब्रज ब्रजलीला के अंतर्गत है गोपी जनु ने पूछा कृष्ण को रिझाने का मार्ग क्या है प्रियाजू से तो प्रियाजू के आंखों में अश्रु थे और श्याम 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 श्यामेत सुंदर वरेती मनोहरे ति कंदर पकोटी ललितेत सुना हा श्याम हाँ कंदर पकोटी लावड़ने वाले प्रीतम हा मोहन गोपी जनों से कहा ऐसा पुकारते हुए आंसुओं की धार से हमारे प्रीतम को जो रिझाता है उससे भगवत साक्षात्कार होता है हमारे श्याम सुंदर के मिलने का उपाय है आंसू जो आंसुओं से कपूल भिंगो रहा है वस्त्र भिंग गए हैं और यहां तक के कदा कदापे नीचे जमीन भी गीली हो गई इतना रोता है यह है भगवत आराधना का प्रेम फल बड़े भाग्यशाली होते हैं जो प्रभु के लिए रोते हैं प्रभु के सामने या प्रभु का विषय चल रहा है तो अंदर चिंतन क्या चल रहा है उसका रोने का अंदर चिंतन यदि प्रभु का चलते हुए रो रहा तो आंसू ठीक है वो धन्य है नहीं तो उसका कोई खास महत्व तो नहीं है बिन रोए किन पाइया प्रेम प्याराद ये प्रभु देते हैं जिस पर तुम हो रीजते क्या देते यदीर रोना शिशकना तड़पना आहों की जागीर जिस पर है श्री कृष्ण तुम प्रसन्न होते हो क्या देते हो बोले ये देता हूं रोना तड़पना शीशकना आहो की जागीर हा कृष्ण हा नयन हा अरविंदाक्ष हा मदन मोहन हा प्रियाजू और वो रो रहा है एकांत देश में दृष्टवा भावनया पू मिल दी स्वांतिक भोग्यम हो ये तब आता है जब नाम में प्रीति हो जाती है नाम एक कल्पतरु है विश्वास मानो जब नाम की बात आती है तो जवान रुक जाती है कि बस सर्व तो भावेन लोक परलोक का समस्त मंगल इसी नाम से होता है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ये ऐसे जीवन के मित्र हैं कि बचपन से लेकर आज तक ये सदैव अपना अधिकार बनाए हुए हैं बचपन हनुमान चालीसा से लेकर रामचरित मानस विनय पत्रिका आज तक बचपन से आज तक गोस्वामी जी कृपा करके साथ बने हुए हैं आज तक साथ बने हुए हैं बोले विश्वास एक राम नाम को निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी कर तुम तो अकर तुम तो मन था कर तुम तो सर्व समर्थ भगवान को अधीन कर ले वो नाम है इस बात को पकड़ लीजिए सब बड़े बड़े महापुरुषों ने इसी से वस्तु प्राप्त की है ये आप समझ लीजिए प्रारंभिक साधनों को इसलिए बताया जाता है कि आप इतना असाधनों में फंसे रहे उससे हट जाए नहीं तो एकमात्र भगवत प्राप्ति के लिए समर्थ है समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए समर्थ है नाम विश्वास एक राम नाम को मानत नहीं परती अनत सोई स्वभाव मन बाम को विश्वास एक राम नाम को पूरे जीवन में जो साधना हुई उसका फल ये हुआ कि नाम में विश्वास हो गया कि जो कुछ है वो सब राधा 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 सच्ची कहते हैं कल संतजन भी थे तो यही कहा कि ऐसा ना समझो कि किसी साधन का परिचय नहीं या किसी साधन को किया नहीं लेकिन उस सब साधन का फल आया है हृदय में चीख चीख के कह रहे हैं कि राधा राधा पकड़ लो पकड़ लो जो सौभाग्यशाली होगा वो पकड़ लेगा नहीं तो नहीं पकड़ पाएगा पक्का समझ लीजिए पूरे जीवन का सार वो स्वामी जी कह रहे हैं मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं मेरी जवान गल जाए यदि रा और मां के सिवा मैं जरा भी झूठ बोल रहा हूं ये मेरे माई बाप है इसी से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है परम भगवदाकार वृत्ति में स्थित महापुरुष एक बार अकबर ने सुना गोस्वामी तुलसीदास जी की महिमा ओ कितना भी वो राजमद तो होता है बुलाओ उनको और हमारी सभा में आकर चमत्कार दिखाएं संतों ने सदैव इसलिए इन बादशाहों की आज्ञाओं का आदर किया है कि अगर नहीं जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि विपरीत भाव करके कुछ ऐसा आदेश कर दे जिससे भजन साधन करने वालों को भारी विघ्न पड़ जाए मती है राजमद मत है कहीं उल्टा आदेश ना हो जाए अपने लिए नहीं अपने धर्म में चलने वालों के लिए गोस्वामी जी गए उसने कहा दिल्ली में था उस समय उसने कहा कि कोई चमत्कार दिखाओ आप सिद्ध हिंदू फकीर हो कोई चमत्कार कहा मैं तो राम 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 इससे ज्यादा कोई चमत्कार ही नहीं आता है फिर कहा आप कोई चमत्कार दिखाइए आप सिद्ध फकीर हैं तो कोई चमत्कार दिखाइए कहा हाथ जोड़ के कहता हूं मुझे कोई चमत्कार नहीं आता मैं तो सिर्फ राम 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 यही जपता हूं बोले आप जान रहे हो किससे बात कर हाँ आप बादशाह हैं बोले आपको दंड भी दे सकते हैं तो बोले दे सकते हैं बस राम राम इससे आगे मैं जानता ही नहीं कोई चमत्कार बंद कर दो जेल में बंद कर दो वो ये परीक्षा करता था जब सिद्ध चमत्कार कोई निकल आता था तो घुटने टेकता था अन्यथा बादशाह तो था ही बड़े बड़े संतों को बुलाया है। और उनसे चमत्कार की बातें कही गोस्वामी जी को जो जब जेल में बंद किया तो उन्होंने अठेले हनुमान जी का स्मरण किया कि देखो भाई हमें तो कोई चमत्कार आता नहीं महाराज आप जानते हो वो आपके हम दास है और स्वामी की बेजती आपको भी पसंद नहीं आएगी सब कहते हैं कि गोस्वामी सियाराम का दास है और आप भी सियाराम के दास है महाराज अब आप देख लीजिए करोड़ों असंख्यों न जाने कहां से बानर प्रकट हुआ कि ऐसे एक कंगूरा पकड़ करके बिल्डिंग उखाड़ उखाड़ के फिर विध्वंस शुरू हो गया हनुमान जी महाराज का आदेश अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है ऐसा जानकी जी ने वरदान दिया था देर नहीं लगा हाहाकार मच गया पूरी दिल्ली में बादशाह से कहा चमत्कार शुरू महाराज आपके जितने भी अंगरक्षक सैनिक जो सब के उठा उठा के पटक रहे हैं बानर और न जाने कितने कंगूरे गिरा दिए हैं बिल्ली के विध्वंस हो रहे मनालो महात्मा को नहीं कुछ ही मिनट में पूरी दिल्ली को विध्वंस कर देंगे आपके जितने महल हैं तुलसीदास जी के चरणों में गए प्रणाम के बोले पहले चमत्कार दिखा दे दि, बोले अब भी कह रहा हूं कोई मेरा चमत्कार नहीं हम सिर्फ राम राम जानते हैं ज उतार के रख के चरणों में बड़े सम्मान से विदा किया केवल नाम विश्वास राम नाम को एक ऐसे महापुरुष को वो स्वामी तुलसीदास जी हृदय से कहता हूं जो प्रेम में ज्ञान में वैराग्य में योग में सबसे बड़े चढ़े हैं किसी भी विषय को देख लो रामचरित मानस में सरल भाषा में ज्ञान वैराग्य भक्ति दैन्यता योग बोध सब विराजमान है बड़े अद्भुत महापुरुष दैन्यता की तो मूर्ति और ज्ञान के समुद्र है और वैराग्य की चरम सीमा है चरम सीमा और अनुराग का तो कहला ही क्या है कह रहे मानत नहीं परती थी। ये कोई विश्वास नहीं कर पा रहा नाम पर एक माया का ऐसा प्रभाव है क्योंकि नाम पे विश्वास हो गया काम बन गया जितने महाभागवत भक्तों के चरित्र हैं आप पढ़कर देख लीजिए सब नाम प्रेमी पाए गए और जहां नाम नहीं है तो वहां देखा है सब साधन करने पर भी प्रमाण है एक नहीं लाखों प्रमाण ऐसे है मिले हैं भी, कल भी, भी आपको बताया था ऐसे आए बहुत सुंदर साधन चल रहा है लेकिन उनका प्रश्न था मेरा मन चंचल और अशांत है बस सरल भाषा में समझ लीजिए एक उदाहरण दे चुके सत्संग में कई बार कि एक संत ने प्रेत सिद्ध किया गुरु प्रदत्त मंत्र से प्रेत प्रकट हुआ और कहा कि हमें काम बताओ निम उठा के पटक देंगे तो जहां काम बताते चट कर देता हो अब काम बताओ नहीं उठा के पटक देंगे वो परेशान हुए बोले दो मिनट तुम इस काम को बराबर करते रहो मैं आ रहा हूं गुरु जी के पास गए बोले तो आफत हो गया वो कह रहा काम बताओ नहीं तो उठा के पटक देंगे तो काम बताओ पटकने का नंबर कैसे आएगा एक खंबा गाड़ दो उसे कहो चढ़ो उतरो जब और काम होगा तो बताएंगे इसी में चढ़ो उतरो हाँ तो जानते हो प्रेत कौन है मन अगर इसको काम में नहीं लगाया तो उठा के पटक देगा किसी विषय में ले जाके क्या करो नाम का खंभा गाड़ दो राधा 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 चढ़ो उतरो तो राधा 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 जब कोई काम होगा तो बताएंगे राधा 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 सिद्ध हो जाओगे नहीं उठा के पटक देगा काम में क्रोध में लोभ में मोह में मध में मत्सर में इसके बहुत तरीके हैं समझ ही नहीं पाएगा बाद में समझ में आता है कि गिर गए गिरते समय समझ में ही नहीं आता गिरते हैं ऐसा विचित्र इसका आकर्षण है मन का तो मानत नहीं परतीत अनत ऐसोई स्वभाव मन बाम को यह विरुद्ध चलता है शास्त्र विरुद्ध चलता है गुरु के विरुद्ध चलता है मन के विरुद्ध चलता है बड़ा विचित्र खेल है जैसे आप खिड़की से देख रहे हो नीचे वाला देख ना पा रहा हो कि तुम्हें देख रहे ऐसे गुरुदेव सबको देखते रहते हैं हर दृश्य को देखते रहते हैं गुरुदेव कौन है प्रभु है प्रिया लाल ही है उस सब देखते रहते हैं आपको लग रहा है मुझे कोई नहीं देख रहा वो देख रहे ऐसो स्वभाव मन बाम को हरी की गुलामी छोड़कर हरी की दासता को छोड़कर रुपए की भोगों की नाना प्रकार की वासना की गुलामी स्वीकार करता है वो कभी गुरु का शिष्य नहीं हो सकता गुरु का पट्टा नहीं हो सकता गुरु मेहरवान चेला पहलवान यदि गुरु की कृपा है तो काम क्रोध लो मोह मदमत धज्जिया उड़ाता है वही उपासक है जो घुटने टेक कर भोगों में बैलेंस बना के चलते हैं वो गुरु कृपा पात्र नहीं होते वो ऐसो स्वभाव मन बाम को बाम विरुद्ध विरुद्ध आचरण करना मुंह छुपाते हैं कहीं गुरु की दृष्टि न वो देख रहे हैं वो ऐसी जगह से देख रहे हैं जहां तुम्हारी दृष्टि नहीं हो एक एक चाल देख रहे हैं वो छुप के सोचता है कि मैं निकल गया वो देख नहीं पाए और तुम्हारा छुपना तुम्हारा निकलना वो सब देख रहे थे पर वो मुस्कुरा रहे थे बेटा ये तुम अपने आप को फंसा रहे हो कहीं और कोई छल कपट नहीं कर रहे अपने आप का नाश कर रहे हो अगर तुम इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करने को ठाना था तो ये कंठी और तिलक ये भगवत मार्ग क्यों स्वीकार किया था खूब संसार में राग रंग में मगन कौन किसको देखता है यदि तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है तो सही मार्ग का अनुसरण करो विरुद्ध मार्ग क्यों सैं अपने हृदय में क्यों बैठा ले हुए हो स्वयं पतन के मार्ग में क्यों जा रहे हो पर गोस्वामी जी कह रहे मेरे कुटिल मन का स्वभाव बन गया है किसे विश्वास नहीं हो रहा प्रभु के नाम पर और ये विरुद्ध चल रहा है आगे कह रहे देखो बहुत ऊंची बात कह रहे हैं बस पकड़ ले उन महापुरुष ने बताया कि मैं वेदांत का अनुशीलन करता हूं तो पढ़ी बो पर छठी छमत लिगु जजुर अथर्वन शाम को व्रत तीरथ तप सुन सहमत पची मरे करे तन छाम को विश्वास एक राम नाम को पकड़ लो भाई कह रहे हैं ये पढ़ीबो पर्यो न छठी छ न्याय शास्त्र वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत ये और जजुर अथर्वण शाम ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्वेद सामवेद ये चार वेद बोले मेरे छठी में भी नहीं रखा गया इनको मैं वो अन्य निष्ठ नाम का हूं अब भाव दूसरा इसका लीजिए कि जो चारों वेदों को कंठस्थ किए हैं और छय न्याय वैशे सांख्य योग मीमांसा वेदांत का संपूर्ण ज्ञानी है लेकिन वो नाम जप नहीं करता है बस ये बात हमने देखी ये देखी है इसी में चले हैं नाम जप नहीं करता और व्रत भी करता है तीर्थ भी स्नान करता है तपस्या भी करता है तो सुनिशह मत पच मरे करे तन छाम को पच पच के मर जाए तो भी वो अपने मन को भगवदाकार नहीं कर सकता ये पक्का भाई शायद है आप लोगों में कोई ऐसा हो जो इनमें प्रवेश पाए हो ऋग्वेद सामवेद अथर्वेद यजुर्वेद या न्याय शास्त्र वैशेषिक शास्त्र सांख्य शास्त्र योग शास्त्र मीमांसा शास्त्र वेदांत शास्त्र इसके बाद व्रत तीरथ तप सुनि सहमत पच मरे करे तन छाम को वो व्रत भी करते थे रोज गंगा स्नान रोज देव रोज वेदांत अनुशीलन बड़े अच्छे वयो वृद्ध हो चुके फिर उनका उन्होंने कहा मैं पर्दा करके नहीं बोल रहा हूं खुला बोल रहा हूं सच्ची बोल रहा हूं कि मेरा मन बहुत चंचल है और अशांत है धन्य है इस समय जो गोस्वामी जी कह रहे हैं कह रहे हैं कि सहमत पच मरे करे तन छाम को चाहे उपवास करके शरीर छीड़ कर दे पच पच कर मर जाए तो भी बिना नाम जप के स्थिति नहीं आ सकती पक्का इसलिए पक्का कि इसी मार्ग में चला इसी मार्ग में जैसे कागभूषुण्ड जी महाराज कह रहे कि सकल कर्म कर थक्यो गोसाई और सुखी न भयो नहीं पायो परम विश्राम राधा 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 कह रहे कि चारों वेद कंठस्थ हो छो ये खूब व्रतानुष्ठान करके शरीर सुखा दिया हो तपस्या करके पच पच के मर जाए फिर भी वो स्थिति नहीं आएगी जो नाम से आती है यदि नाम नहीं तो वो स्थिति नहीं पक्का ये बहुत जलों में देखा एक बहुत सुप्रसिद्ध भारत लेवल के महापुरुष जब वही चौबीस वर्ष की अवस्था होगी लगभग तो मिले संस्कृत में पूछा किम नाम देव वाला नाम क्या संस्कृत में तो आनंद स्वरूप उस समय ब्रह्मचर्य के पूर्णता होकर महावाक्य तो व्याकरण कितना पढ़े हो कभी गए ही नहीं पाठशाला ही नहीं गए व्याकरण की तुम्हें संस्कृत का कैसे ज्ञान है नाम के प्रभाव से ये सब कोई श्रद्धा वाली बातें मुझे नहीं पसंद है वेदों का स्वाध्याय करो शास्त्र स्वाध्याय करो विद्वान बनो अभी तुम्हारी नई अवस्था है तुमका हाथ उठा तो के कहता हूं आजीवन अपना व्रत है कि केवल नाम ही हमारा जीवन है अब इसके आगे हम कुछ पढ़ना नहीं चाहते आज जो आप सुन रहे हो ये वेदांती की नहीं बात सुन रहे हो ये आप किसी व्याकरणाचार्य की बात नहीं सुन रहे हो किसी शास्त्री और आचार्य की बात नहीं सुन रहे हो एक गांव में पढ़े हुए एक अच्छा नौ के स्कूल की विद्यार्थी की बात सुन रहे हो ये केवल नाम का प्रभाव है जो हमें खुद पता नहीं कि हम क्या बोलना वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं एक आंतिक में एक आए थे जिनकी इतनी डिग्रियां थी संस्कृत की केवल और शंकराचार्य आदि को जो उन्होंने पढ़ाया है कई शंकराचार्य उनके ऐसे झुके हुए और वो ऐसे किए हुए गुरु पद पर इधर है तिरुपति बालाजी के वो आचार्य सब आए वो कह रहे थे कि आपका प्रवचन सुन करके बस इतनी इच्छा हुई कि एक बार दर्शन करे हमारा प्रवचन इतनी डिग्रियां इतने बड़े तो ये हमारा प्रवचन नहीं है ये नाम का प्रताप है बस केवल नाम का प्रताप सत्य मानो विश्वास कर लो गुरुस्वामी जी कहते कि बस ये मानत नहीं पड़ती अनत ऐसो इस स्वभाव मन बाम को ये पकड़ नहीं पा रहा खुली बात रखी कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो यहां इस पूरी हो जाए यदि नाम चल रहा है किसी भी जिस क्षेत्र की कभी चर्चा नहीं सुनी कभी गए नहीं कभी देखा नहीं उसका प्रश्न होता है ऐसा श्री जी उत्तर दे देती है कि बाद में पूछते कोई संशय बोले कोई संशय नहीं और जब हम उसको उत्तर सुनते हैं खुद तो हम श्रोता बन के सुनते हैं वक्ता कोई और था केवल नाम नाम मान लीजिए तो कह रहे करम जाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित दाम को ज्ञान विराग जोग जप तप भय लोभ मोह को काम को गजब कर दिया गोस्वामी जी कह रहे हैं ये सब साधन करके पच पच करके मर जाओ अगर नाम जप नहीं कर रहे तो जो स्थिति चाहिए वो नहीं आएगी कर्मकांड कर लो कलयुग है धन की ही लालसा रखोगे जो बोलोगे जो करोगे उसके अंतर में होगा धन भगवान की चर्चा भगवान का नाम भगवान की महिमा अमोघ अनंत तो तुमको कहां विश्वास है प्रभु पर तुम किसी व्यक्ति के देने से चल रहे हो प्रभु पर यही ज्ञान विराग हम नहीं कह रहे गोस्वामी जी कह रहे जोग जप तप भय लोभ मोह को काम करम जाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित दाम को विश्वास एक राम नाम को ये दशा क्यों है विश्वास नहीं है प्रभु पर किसी ने प्रश्न किया एकांतिक में कि मैं भगवत चर्चा करता हूं नाम कीर्तन करता हूं उसके बदले में भेंट लेता हूं और परिवार का पोषण करता हूं क्या दोष है कदापि नहीं तय मत करो आप नाम कीर्तन भगवत चर्चा करते हो अगर उसमें चढ़ गया उससे परिवार का पोषण करो लेकिन अगर जबान से हमने एक घंटा कीर्तन किया और कह दिया कि हमें सौ रुपया दे दो तो हमने एक घंटा कीर्तन की कीमत सौ रुपये में बेच दी ये नहीं करना हमें तय नहीं करना कौन मानने के लिए तैयार है बात वही जिसको भरोसा केवल प्रभु का है यह नहीं कि ऐसे प्रवक्ता थे नहीं या है नहीं पूज्य श्री रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज लाखों की हृदय वृत्ति में आज भी जो पूर्व सुने हैं छाए हुए महाभागवत केवल कथा से मतलब केवल कथा से मतलब सामने ठाकुर जी आंखों में अश्रु और भगवत चर्चा की उतर के चल दिए जो कभी कुछ चढ़ा तो जहां चढ़ा वहीं वो जिन्होंने करवाया वो जाने वो गौ सेवा में लगाए मंदिर में लगाए वो कभी ऐसे कभी एक नहीं जो में प्रसाद में चला गया बस वही भगवान सबका भरण पोषण करते हैं भगवान पर विश्वास बेचै वेद धर्म दुले ही इसका कहीं भी स्थान नहीं है ए श्री कृष्ण देने वाले विश्वास कर लो विश्वास श्री कृष्ण देने वाले हैं कह रहे हैं ये गोस्वामी जी कह रहे कि आज का ज्ञान भी दाम पे आधारित है ज्ञान भी थोड़ा बुरा लगेगा कड़ुआ लगेगा महापुरुषों के वचन है पर बुरा और कड़ुआ अगर हम छुपाते चले जाएंगे तो सत्य को कौन समझेगा यह सत्संग है जो दामों से बिकता है वो अध्यात्म नहीं होता अध्यात्म कभी दामों से नहीं बिका है ऋषियों के समीप दूरवांकुर या पुष्प लेके गए और प्राण समर्पित किए तब वेद उनको मिले ये समर्पण का है गीताजी भगवान का साक्षात स्वरूप है वो कह रहे हैं मई एवं मन आधत्स्व मई बुद्धिम निवेश है मेरे में मन अर्पित करो बुद्धि अर्पित करो तुम मेरे में वास करेगा भगवत प्राप्ति का सीधा सरल उपाय भगवान एक दान मांग रहे कि तुम मन बुद्धि मेरे को दे दो बस वही बात है मन बुद्धि को लगाने के लिए भगवत चर्चा हो रही और भगवान हमें देख रहे हैं कि हमारा परिवार है हमारी कुछ सेवाएं हैं तो उनको विश्वंभर विश्वनाथ स्वयं पूर्ण करते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भगवत आश्रित और वो भटके ऐसा कभी नहीं हो सकता हां वासनाओं की पूर्ति की बात अलग है आवश्यकता की पूर्ति चराचर जगत की मेरे नाथ करते हैं आवश्यकता की पूर्ति तो ज्ञान भी कह रहे आधीन सुसाधित दाम को सुसाधित अंदर से साध चाह है कि हम ये जो ज्ञान बोलेंगे उसका इतना बोले आधीन सुसाधित दाम को रुपए के लिए दूसरा वैराग्य बहुत मंगल में भगवान की प्राप्ति का साधन है वैराग्य जगते होए फिरे वैरागी वृंदावन रस में अनुरागी वैराग्य तो बुद्ध ब्रह्म बुद्ध कराने वाला है वैराग्य तो भगवत प्रेम कर यदि वैरागी होकर अंदर से धन की कामना कर ले तो वो वैराग्य बिक गया जोग, जोग होता योग होता है ना अष्टांग योग अगर वो रुपये में बिक रहा है जोग तो वो जोग भगवत प्राप्ति कराने का साधन ना बनकर के सुसाधित दाम को भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो रही यही तो साधन है भगवत प्राप्ति के व्रत ताप जोग ज्ञान विराग और नाना प्रकार के तीर्थाटन आदि साधन इन सब का फल हमने मांग लिया सुसाधित दाम को दाम रुपया कैसे बात ऐसी क्यों स्थिति हुई बोले विश्वास एक राम नाम को मानत नहीं प्रतीति प्रती थी नहीं विश्वास ही नहीं हो रहा आप जितना निष्किंचन रहेंगे माया भगवती वैभव उतना ही फेंक देंगे क्या करोगे वैभव ये माया का जादू का तमाशा भगवत प्राप्ति में बाधक है भगवान उतना ही कृपा करके दे जितने से उधर पूर्ति हो जाए खूब चक् भजन हो ये जीवन का सार है और भगवान के चरणारविंद का विश्वास भगवत प्रेम प्रदान करने वाला विश्वास वो हम खो गए मानत नहीं प्रती प्रतीत माने विश्वास अनत सोई स्वभाव मन बाम को आंतरिक बात है ऑपरेशन है आंतरिक सब दिन सब लायक भव गायक रघुनाथ गुण ग्राम को बैठे नाम काम तर तर डर कौन घोर घन घाम को अरे भाई सब दिन सहायक सब लायक भव समुद्र से पार करने वाले माया के पति भगवान के गुण और नाम का गायन कर रहे हो तो साक्षात महाकल्प तरु के नीचे बैठे हो अब तुम्हें कोई भी धूप ताप शोक संकट स्पर्श कर सकता है कदापि नहीं विश्वास रहे विश्वास हो जाए तो हित हित ध्रु जो विश्वास है तब तो ही सुधरे बात नातर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात बिन विश्वास भगत ने ते बिन द्रवहिण राम राम कृपा बिन सपने जीवन लह विश्राम कदम कदम पे उसकी व्यवस्था देखी है कदम पीछे चले व्यवस्था आगे चली है जीवन भर उसको देखा जीवन भर कैसे कैसे बता एक एक कदम पे प्रभु का दुलार वो किसी एक के लिए नहीं सब परमोरी बराबर दया बराबर दया है केवल आप भगवान से विमुख होकर के देख रहे हैं। बहुत पीड़ा होती है जब भगवान का दास कहलाकर किसी से आस रखी जाती है भगवान का दास कहलाकर किसी व्यक्ति से आस रखना बहुत बुरा बहुत बुरा कलंक है शरणागति में कभी ऐसा ना करें ये ज्ञान वैराग्य जोग जप तप ये उस महापदवी की प्राप्ति के लिए जो कहीं किसी को नहीं प्राप्त हो सकता उसको बेचने के लिए नहीं है बहुत सावधान कहीं अपने साधन को ना बेच देना कहीं अपने ज्ञान को ना बेच देना वैराग्य को ना बेच देना नाम को ना बेच देना किसी भोग के लिए किसी पदवी के लिए किसी नाना प्रकार की सुख सामग्री लौकिक के लिए गोस्वामी जी कह रहे जो श्री प्रभु के गुण गाते हैं प्रभु का नाम कीर्तन करते हैं वो महाकल्प तरु की छाया में बैठे उनको कौन ऐसा है संकट ताप कौन ऐसा है जो स्पर्श कर सकता है ये विषयों की चका उनके उनकी आंखों को लुभायमान नहीं करते जिनकी जिभ्या पे राधा, राधा 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 ऐसा नाम चल रहा है वो अज्ञान के वशीभूत भूत विषयों में भटकने वाले प्राणी नहीं होते जिनकी जिव्या पे नाम चल रहा है इसलिए सब साधन एक तरफ और नाम बैठे नाम काम तरु तर डर कौन घोर घन घाम को राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा मान लीजिए ये बहुत बड़ी साधना का फल है जो आपको विश्वास हो जाए नाम पर को जाने को जय है जमपुर को सुरपुर पर धाम को तुलसी बहुत भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को विश्वास एक राम नाम को क्या पता है? तुम्हारे आचरण नरक ले जाएंगे कभी सोचा है अपने आचरणों का कभी चिंतन किया है कि पीछे जो आचरण हो गए उनका परिणाम क्या होगा बड़े पुण्यात्माओं तो स्वर्ग जाओगे फिर तुम्हें मृत्यु लोक में ही पटका जाएगा लेकिन परम धाम को जाने के लिए नाम नाम जितना नाम जप करो पक्का परम धाम आपको जाना है पक्का कोई तुम्हें नहीं रोक सकता नाम जापक को तुलसीदास जी कहते हैं धन्य उसका जीवन जो भगवान का दासत्व लेकर नाम जप कर रहा है कली नाम काम को दलनिहार दारिद दुकाल दुख दोष घोर घन घाम को कलि नाम काम तरु राम को कलयुग में नाम ये कल्प वृक्ष है कोई भी दरिद्र नहीं सह सकता यदि नाम जप करेगा तो आप कहोगे नाम जप वालों को तो प्राय ऐसा नहीं देखा गया जैसा आप कहते हो दरिद्र कौन है अरब खरब पति भी दरिद्र है क्यों उसकी बहुत बड़ी मांग है वो लाखों में संतुष्ट होने वाला नहीं है उसको अरबों खरबों चाहिए बड़ा दरिद्र है वो उसकी अंदर की वासना इतनी बढ़ी हुई है वो एक सीमा में नहीं है आज ये कल वो भोगा परसों वो भोगा दरिद्र है वो बाहर से बहुत चिकना चुपड़ा वस्त्र और रूप दिखाई दे रहा अंदर से गंदगी भरी है मन मानी आचरण करते हुए धन का चिंतन होना एक अरब एक खरब इससे ये बड़े दरिद्र हैं वो एक रुपया मांगकर फुटपाथ में बैठकर जी रहा है वो छोटा भिखारी है वो करोड़ों में संतुष्ट नहीं हो रहा हो बड़ा है दरिद्र कौन जिसका संतोष धन नष्ट हो गया है जो भगवत आश्चर्य रहित है वो दरिद्र है कोई भी हो चाहे वो त्रिभुवन पति इंद्र क्यों ना हो समझना है महान कौन धनी जिसके हृदय में भगवान का नाम चल रहा है संतोष है तो सुरपति नरपति लोकपति तिनके भाव घास और रहे परम आनंद में तज सब ही की आस और चाह ये दो जिसकी मिट गई वही बादशाह डर और चाह ये दो जिसकी बनी हुई है वही माया का गुलाम डर और चाह ये दो शब्द देख लीजिए अंदर झांकी ये बैठे हुए डर और चाह जिसकी डर मिट गई निर्दय निर्भय निडर हो गया और चिंता चाह मिट गई वही भगवान का दासत्व प्राप्त की हुई नाम जापक होता चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त तो हो दलनिहार दारिद्र वो दरिद्र नहीं हो सकता सुधामा जी दरिद्र थे क्या जैसे कहेंगे फटा पुराना कपड़ा पहना करके हम सुदामा जी को दिखाए कि सुदामा जी ऐसे सुदामा जी जैसे धनी अरे कोई त्रिभुवन में बिरले होते दरिद्र वो है जिसके पास नाम रूपी धन नहीं है जो असंतोषी है जो भोगी है विषयी है वो दरिद्र है जो निष्कामी है जो जितेंद्री है जो भगवान नाम जापक उसे दरिद्र कहा जा सकता है दलनिहार दारिद्र हे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जिनके सामने आकर के बैठा हुआ है वो बड़े धनी अजीत को जीत लिया जिन्होंने उनको तुम गरीब कह सकते हो उनको तुम दरिद्र कह सकते हो नहीं दरिद्र वो है जो वासना के भूत में भटक रहे हैं जो भगवत अनुराग से तृप्त हैं वही सबसे बड़े धनी हैं दलनिहार दारिद्र दुकाल दुख हा गोस्वामी जी कह रहे हैं दुकाल दुर्भिक्ष पूरा संसार सही पूछो तो जो भगवदानंद से रही था वो सब दुर्भिक्ष में है कौन तृप्त हुआ है आज तक भोगों में बता दो कोई सम्राट कोई भी त्रिभुवन का जो भगवान से विमुख हो संतुष्ट हो महाराज ने अपनी जवानी भोगी अपने बेटे की जवानी भोगी लेकर के लेकिन तृप्त हुए क्या तब उन्होंने लिखा एक भगवत विमुख अजितेंद्री पुरुष को विश्व की स्त्रिया, समस्त स्त्रियां, समस्त जो धान्य भोग सामग्री मिल जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता यह है दुर्भिक्ष यह है दलिद्रता नाम जापक हृदय से इतना संतोष धन प्राप्त करता है कि उसमें दलन हार दारी दृष्ट की दरिद्रता का नाश हो जाता है दुकाल दुर्भिक्षता का नाश हो जाता है क्या कैसी भी परिस्थिति हो नाम जापक के हृदय में किसी अन्य का भरोसा अन्य की चाह नहीं हो सकती नाम जापक दुख दोष घोर घन घाम को कोई भी दुख कोई भी दोष कोई भी अज्ञान कोई भी विषय विलास का ताप उसके हृदय को नहीं तापित कर सकता जिस हृदय में नाम चलता है नाम लेत आह दाहिनो होत मन बाम विधाता बाम को कहा तीस महेश महातम उल्टे सुधे नाम को बड़ी में। यदि कोई नाम जब कर रहा है और विधाता ने उसके भाग्य में प्रतिकूल विधान लिख दिया है तो वो भी अनुकूल हो जाता है जब सुदामा जी को सुदामापुरी प्रदान की उनके पहुंचने के पहले ही तो विधाता आ गए और भगवान से एकांत मिले में मिले और कहा प्रभु आपके द्वारा बनाया हुआ विधान कानून नष्ट हो रहा है आपके द्वारा ही क्यों सुदामा जी के भाग्य में लिखा था श्री छह श्री का मतलब होता लक्ष्मी का नाश वो आपने पूरी द्वारिकापुरी वैसे ही सुदामापुरी बना दी अब उनका भाग्य हम देख रहे तो उसमें लिखा है यक्ष श्री यक्ष कहते हैं कुबेर को श्री कहते हैं धन वैभव ईश्वर महिमा को सुदामा जी के सुदामापुरी में जो संपत्ति है कुबेर के पास जो अष्ट सिद्धियां नौ निधियां वो सब सुदामा जी के पास यक्ष श्री प्रभु आपने कानून बनाया था उसी हिसाब से भाग्य लिखा था आपने पलट दिया प्रभु तो क्या आपके बनाए हुए कानून का अपमान नहीं हो रहा भगवान ने कहा नहीं क्यों तो उनका सुदामा जी ने एक भंडारा किया है जिसमें पूरा विश्व तृप्त हो गया उसका क्या फल होता है देखो निकाल के आप अपने कानून में बोले प्रभु खाने को तो है नहीं सुदामा जी को भंडारा कब कर दिया तो बोले जिस समय हमने सुदामा के एक मुट्ठी तंदुल पाए तो मेरे रोम कूप में एक एक रोम कूप में कोटि कोटि वास करते हैं ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे अब हमारे रोम कूप कितने गिनो इनमें कितने ब्रह्मांड है गिनो इन ब्रह्मांडों में कितने जीव सब तृप्त हो गए जब मैं तृप्त हुआ उसका फल सुदामा जी को मिला कि भाग्य पलट गए अब यक्ष हो गए यागो स्वामी जी कह रहे नाम लेत दाहिनो हो तुम मन बाम विधाता बाम को विधाता ने भाग्य में लिख दिया सदैव दुख भोगोगे लेकिन आपने शुरू कर दिया राधा 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 तो दाह हटा दा दिया गया बस सू लगा दिया गया क्या हुआ सदैव सुख भोगोगे क्यों लगा दाहिने क्यों हो गया ये बाम अर्थात विपरीत दुख भोगने वाला जीवन सुख में क्यों हो गया तो बोले नाम चल रहा है नाम गोस्वामी जी ने कहा कि जब तुलसी राम का नहीं था तो कोई दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देता था कि अभाग्य पैदा होते ही मां को फिर दासी को धाय मां को ये खड़ा रहेगा तो कोई ना कोई घटना घट गट जाएगी उसके दरवाजे पे इतना भागी है और जब राम का हुआ तो आज बड़े बड़े बादशाह ताज उतार के रख रहे हैं okay. नाम लेत दाहिनो होत मन बाम विधाता बाम को मान लीजिए प्रार्थना मान लीजिए भाग्य को पलटने की सामर्थ नाम में हम सबके भाग्य में वृंदावन वास नहीं लिखा कुंडली दिखा लीजिए ज्योतिषाचार्य को गणित लगा के बता दे कि वृंदावन वास और प्रिया प्रीतम की प्राप्ति लिखी तो हमें दिखा देना के नाम लेत दाहिनो होत हो गई कृपा राधा, राधा 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 अखंड वृंदावन वास श्री जी की प्राप्ति भाग्य पलट गया बोले बड़े नियम संयम से मंत्रानुष्ठान करने वालों को जो गति नहीं मिलती उल्टे सीधे नाम जपने वालों को गति मिल गई बिना नायद हुए इसके लिए कोई नियम नहीं है जब उठो राधा 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 शौचालय में तो राधा राधा बाहर तो राधा 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 राधा, राधा परम पद की प्राप्ति अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग या स्मृत पुंडरी काक्षम स्वायाभ्यांतर भीतर और बाहर से परम पावन कर देने वाला नाम कहत मुनीस महेश महातम उल्टे सूधे नाम को कल नाम काम तरु राम को महाम ब्रह्म ऋषि पदवी को प्राप्त हो गए और राम राम नहीं जपना आता था तो मरा मरा मारा दो बार के बाद तीसरे में रामा निकल आता है मरा मारा मारा उल्टा नाम जपत जग जाना ऐसा नाम जब किया ब्रह्म ऋषि पदवी को प्राप्त हो गए कहा मुनीस महेश महातम, भगवान शिव इसी नाम से तारक मंत्र के द्वारा काशी के मच्छरों को भी ब्रह्म पदवी प्रदान करते हैं मोक्ष पदवी और इसी राधा नाम से यहां वृंदावन की सखियां प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराती कोई भी जीव यहां शरीर छोड़े उसके कान में वृंदा सखी के आदेश से सखी बोलती राधा श्री जी की प्राप्ति होती है ये छाती की बात बता रहा हूं यहां पढ़ा है यहां यहां देखा है और यहां पढ़ा है भलो लोक परलोक तासु जाके बल ललित ललाम को तुलसी जगजानियत नाम ते सोच न कूच मुकाम को कली नाम काम तरु राम को जिसने ये बात पकड़ ली नामबल राधा 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 कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरी उसका लोक परलोक सब सुखमय हो गया कैसे तुम्हें बताए लोक परलोक सब सुखमय हो गया कर्मों के जाल ने तो मार दिया था लेकिन प्रभु की कृपा ने उबार लिया विश्वास कर कर्मों के जाल सब देखो अपने अंदर कर्मों के जाल ने तो बार दिया था प्रभु की कृपा ने बचा लिया प्रभु के नाम ने उबार लिया जो नशा और मस्ती और जो उन्मत्तता नाम में है, वो कहीं किसी साधन में नहीं मान लीजिए मान लीजिए प्रार्थना मान लीजिए जैसे बने नाम उच्चारण कीजिए जिसके पास नाम का बल है वो संसार में कभी सोच को प्रतीत नहीं कर सकता अनुभव नहीं कर सकता कि शोक में बैठा है ऐसा कभी नहीं हो सकता कैसे फिर वही कहता तो हूं कैसे तुम्हें बताए वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि उनकी कृपा को बता सके कृपा को बता सके एक पार्ट दिखाया एक साधना का और एक पार्ट दिखाया आश्रय का और पूरी जीवन की फिल्म तैयार हो गई आश्रय भरोसा और नाम ये जीवन का आखिरी हिस्सा चल रहा है लूट लो लूट लो खुली बात है ना लूटो तो बाजार उठने वाली है लूट लो तो लूट लो खुली चल रही इसीलिए खुली बात चल रही कि ना जानो छिनंत कवन ये स्वास्थ्य का ये बुद्धि का ये मन का इसीलिए खुला से बाट रही श्री जी पकड़ लो पकड़ लो साधना का तो वो पार्ट देखा है और का नाम का ये पार्ट देखा है ये, जो तुम देख रहे हो, ये तो तुम देख रहे हो जो तुम देख नहीं सकते वो पार्ट है असली में जिसे तुम देख नहीं सकते केवल गुरु प्रताप से देख सकते हो जो तुम देख रहे हो तो मायाकृत है जो नामकृत है उसे तो तुम देख ही नहीं सकते उसे तो श्री जी दिखावे तो सोई जाने जी देव जनाई इसलिए मान जाओ बिल्कुल मान जाओ बिना किसी संकोच के इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब बस तुम्हारे लिए बोल रहे हैं मान लो खुली बात मान लो सिर्फ आपके लिए बोल रहे हैं सिर्फ आपके लिए बोल रहे हैं सिर्फ आपके लिए बोल रहे, लिए बोल रहे हैं आप पकड़ लीजिए राधा 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 सब शास्त्रों से इसलिए प्रमाणित करके बोल रहे चारों वेद कंठस्थ है छह शास्त्रों का ज्ञान है लेकिन नाम जब नहीं है तो कुछ नहीं भाई नाम जब है कुछ नहीं आता है तो भाई ब्रह्म समाना भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला रच दी नाम के प्रताप से भलो लोक परलोक हरिवंश परलोक इलोक लोक परलोक सकल सुख पावत मेरी भैया कृष्ण गुण संचु भलो लोक परलोक तासु जाके बल ललित ललाम को नाम बल जिसके है लोक परलोक सब मंगल हो गया तुलसी जग अत नाम ते सोच न कूच मुकाम को जो हमारा मुकाम है ना वहां जाने का अब ये सोच नहीं रह गया कि ये सामग्री नहीं वहां कैसे जाऊंगा क्यों नाम तभी आपको कहते हैं कि राधा राधा ये आपको निकुंज पहुंचा देगा परम धाम पहुंचा देगा मोक्ष पदवी दिला देगा जो चाहोगे मिल जाएगा वृंदावन की भूमि से बैठ कर कह रहे सत्य परम सत्य इस चक्कर में मत पड़ो कि बाहर के लोग इसको नहीं जानते नहीं जानते क्योंकि बहुत कीमती है लालजू के प्राणों का छुपा हुआ धन है ये राधा नाम श्री जी ने प्रेरणा की तो खुले दरबार बट रहा है महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल ये तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल ये लाडली लाल इसी राधा नाम पे हैं। राधा राधा जपोगे मिल जाएंगे राधा नाम है जीवन हमारा राधा नाम प्राण आधार है राधा नाम है कर्ता विधाता राधा नाम पालनहार है राधा राधा नाम सबका पूज्य है राधा नाम का ही पूजन करें राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा पूरी की पूरी शुरुआत से लेके अंत तक निकुंज तक ये राधा नाम ही तुम्हारा खर्चा है तुम्हारा राधा नाम ही मुकाम जाने का पास है गोस्वामी जी कह रहे तुलसी जगजानियत नाम ते सोच मुकाम को मुकाम असली ठिकाना असली ठिकाना प्रिया प्रीतम के चरणारविंद बोले आप सोच नहीं है बोले क्यों बोले नाम है हमारे पास राधा 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 नाम है हमारे पास यमराज जी अपने पार्षदों को बुलाया नरकपुरी के जितने पार्षद हैं और उनको कहा ए भाई अगर इनके पास तुम गए तो तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि हमारा अपराध और हमारे स्वामी श्री हरि का अपराध कर रहे हैं जिभ्यान वक्ति भगवत गुण नाम धेय चेतन स्मरती तरणारविंदम कृष्णायनो नमति ये ताना ध्वमसो कृत विष्णु कृत्यान देखो भाई मैं तुम्हें समस्त यमपुरी के जितने भी शासनकर्ता पार्षद हैं उनको बता रहा हूं कि जिसकी जिब्या से एक बार भी नाम ना निकलाओ उसको फांसी में बांधकर पीटते हुए हमारे पास लाना अगर एक बार भी नाम निकल गया तो होश में रहना उसको कभी फांसी मत लगाना हे फांसी से बच गए बोलो राधा राधा हा वृंदावन में बोल दिया लो अब यमराज की फांसी लगेगी पक्का राधा राधा बोल दिया यमराज प्रणाम करेंगे महाभागवत भागवत है यमराज जी श्री कृष्ण बिक जाते हैं राधा नाम में पक्की बात कह रहा हूं जिभ्याल भक्ति भगवत गुण नाम धे हम जिसकी जिभ्या से नाम निकला हो और जो भगवान के गुण न गाए हो ऐसे लोगों को फंसा के यम पास में मारते हुए लाना अट्ठानवे हजार योजन दौड़ा दौड़ा के मार मार के भगाया जाता है और तपती हुई जैसे आग ऐसी भूमि पे एक बूंद पानी नहीं जिसने कभी पानी नहीं पिलाया किसी को ना एक बूंद नहीं मिलेगा निष्काम किसी को भोजन नहीं एक कौरा नहीं मिलेगा यहाँ जो दूसरे का खून पिया है ना तुमने मांस खाया है ना वो सुड़ेंगे अभी आगे बना लो चर्बी किस काम में आएगी जलने के काम में आएगी वो किसी काम में नहीं आएगी यहां भी जलोगे वहां भी जलोगे यमराज जी कह रहे हैं कि जिसके मुख से नाम ना निकला हो भगवान की चर्चा न की वो ऐसे लोगों को बांध के लाना और जिसका कभी सिर एक बार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुक गया या हरि के दासों के चरणों में झुक गया भूल कर उनके सामने मत जाना ऐसों को कभी मतला ना नहीं तो फिर अपराध बन जाएगा आदर सहित भेजना पड़ता है देखो नरक जाए तो दंड मिलता है ना और जब नचिकेता जी नरक गए तो आतिथ्य अर्घ पात्र देकर उनका सम्मान हुआ अगर भगवान का कोई जाता है तो आदर होता है जैसे अतिथि का वहां थोड़ी कि नरक चला जाएगा और सम्मान से उनको ज्ञान देकर वापस किया यमराज जी कह रहे हैं कि जो चक्रपाणी भगवान श्रीहरि का नाम नहीं जपते गुण कीर्तन नहीं करते उनके भक्तों को प्रणाम नहीं करते भगवान को प्रणाम नहीं करते ऐसे लोगों को लाया जाए और जो गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरारे संभो शिवेश शशि शेखर सूल पाणे दामोदर जनार्दन वासुदेव भटा इत संतत मामनंती एक बार मुख से जिसके निकल गया गोविंद दामोदर माधव या शो शिव शशिशेखर या च्युत जनार्दन वासुदेव ए त्याज्या भटा मेरे ऐसो को कभी देख मत लेना तुम बच गए भगवान के नाम ने बचा लिया इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपना जीवन यह लोक परलोक परम मंगल करने के लिए तुम्हारी श्रद्धा बने ना बने दवाई है राधा 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 हर समय जपो ए भाई बड़ा कठिन कलिकाल है मन बड़ा चंचल है इंद्रियां बड़ी दुष्ट है पाप कराने में सेकेंड नहीं लगता इनको अगर अब हमारा कल्याण हो सकता है तो भगवान नाम से हो सकता है चाहू युग चाहू श्रुति नाम प्रभावू लोकहु वेदना आन लोक में भी और वेद में दूसरा उपाय नहीं रह गया इसलिए हर समय राधा राधा रटो और पापा चरण से बचो सत्संग का परम लाभ यही है अगर कभी सत्संग में कडवे वचन बोले जाते हैं महापुरुषों के वो इसलिए कि आपका सुधार हो जाए हमारा जीवन आनंद में हो जाए आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं आपकी अवहेलना करने के लिए नहीं आपको ऊंचा उठाने के लिए आपका परम सम्मान में स्वरूप प्रकाशित करने के लिए इसलिए सबसे विनय पूर्वक है कि अपने आचरणों को सुधारा जाए और खूब नाम जप किया जाए चल जा गई राधा लाल की